एमपी के मामा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं तो आजकल झारखंडी हो गया हूं। वहीं शिवराज ने बुधनी और विजयपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ी भविष्यवाणी भी की है। देखिए खास रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री शिवराज ने बुधनी को लेकर कर दी बड़ी भविष्यवाणी। बुधनी और विजयपुर की जनता को है बीजेपी पर विश्वास। एमपी के मामा बोले, मैं तो आजकल झारखंडी हो गया हूं। एमपी के उपचुनावों में शिवराज फिर हुए सक्रिय। एमपी में मामा नाम से पहचाने जाने वाले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों झारखंड का चुनाव प्रबंधन कर रहे हैं। झारखंड के गांव गलियों और नुक्कड़ चौराहे पर शिवराज अपने अंदाज में बीजेपी के लिए माहौल बना रहे हैं। झारखंड के माहौल में शिवराज इतने घुल मिल गए हैं कि वे खुद कहने लगे हैं कि मैं तो आजकल झारखंडी हो गया हूं। इतना ही नहीं, शिवराज ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन की गारंटी छूट का पुलिंदा है। झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव है, मैं तो आजकल झारखंडी हो गया हूं, वहीं रह रहा हूं। उनकी गारंटी इंडिया ब्लॉक की, इंडी गठबंधन की, झूठ का पुलंदा है, क्योंकि जेएमएम और कांग्रेस ने पिछली बार भी गारंटियां दी थी। इन्होंने कहा था कि हम 5 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, नहीं दी। इनने कहा था हर महिला को 2000 रुपया चूल्हा खर्च देंगे, नहीं दिया। चुनाव के 2 महीना पहले केवल एक योजना ले आए 1000 रुपया देने की। इन्होंने कहा था बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। इनने कहा था समर्थन मूल्य पर बोनस दे के धान खरीदेंगे, नहीं खरीदी। 117 वादे किए थे जेएमएम ने और 344 वादे किए थे कांग्रेस ने, एक पूरा नहीं किया। 5 साल पहले पुराने वादे पूरे किए नहीं, अब नए वादे लेके आ गए। इनकी गारंटी फुस्सी बम है जो कभी फूटती नहीं है और जनता को भरोसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। अगर हमने कहा था तो छत्तीसगढ़ देख लीजिए, उड़ीसा देख लीजिए, अभी चुनाव हुए और उन सारी गारंटियों को हम पूरा करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गारंटी पूरा करने की गारंटी है। इंडी गठबंधन की गारंटी पर कोई भरोसा नहीं करेगा, सबको पता है ये केवल झूठ बोलते हैं और झूठ परोसते हैं। झारखंड के साथ शिवराज एमपी उपचुनाव में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और यही वजह है कि बुधनी और विजयपुर उपचुनाव में प्रचार करने पहुंच जाते हैं। बुधनी और विजयपुर उपचुनाव को लेकर मोहन सरकार प्रदेश को नई ऊंचाई पर ले जा रही है। मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हमने 35% आरक्षण महिलाओं को दिया। बुधनी और विजयपुर की जनता का भरोसा हमारे साथ है। जनता हमारे लिए भगवान है। राहुल गांधी जी तो विदेशों में बैठ के ये भी कहते हैं कि समय आने पर हम आरक्षण खत्म कर देंगे, उनकी कौन सी बात पे भरोसा करें। जहां तक विजयपुर और बुधनी के उपचुनाव का सवाल है, मोहन जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की यहाँ की सरकार प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण के लिए जो काम कर रही है वो प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, जन कल्याण का नया इतिहास रच रहे हैं। 35% रिजर्वेशन बहनों को, बेटियों को शासकीय नौकरियों में देने के का जो हमारा संकल्प था उस पर अमल किया गया है। ऐसी एक नहीं अनेकों चीजें हैं और डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद मध्य प्रदेश पर विकास के लिए लगातार बरस रहा है और इसलिए मध्य प्रदेश की जनता बीजेपी के साथ है, सरकार के कामों से प्रसन्न है और बुधनी और विजयपुर में भी जनता को ये विश्वास है कि विकास होगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करेगी। वैसे भी चाहे बुधनी हो और चाहे विजयपुर हो, जनता हमारे लिए जनता नहीं,
अपना परिवार है और मेरा सौभाग्य है कि आज अपने परिवार से मिलने मैं भी जा रहा हूँ। धन्यवाद। गौरतलब है कि बुधनी उपचुनाव शिवराज की प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है, लिहाजा शिवराज अपने गढ़ को बचाने के लिए समय समय पर बुधनी में दस्तक दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।